शरीर के व्याधि को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? व्याधि को कंट्रोल तीन सकते हैं तीन हम। शब्द है, आधि व्याधि उपाधि। तो मानसिक दुख को आधि बोला जाता है, शारीरिक दुख को व्याधि बोला जाता है, और बाहर किसी ने धक्का मार के गिरा दिया तो उपाधि आ गई बोला जाता है, आधि व्याधि उपाधि। अभी व्याधि जो शरीर में आ गई तो ये इफेक्ट है, कुछ कॉजेस पहले डाल दिए थे, उसकी इफेक्ट आ गई, आज तो भुगतना ही पड़ेगा। तो जरूर अभी क्या करना चाहिए? समझ लो पाँव दुखता है, सर दुखता है, तो आप दो प्रकार हो जाते हैं। दुखने का तो शरीर को इफेक्ट है, पर भीतर में आर्त ध्यान करता है आदमी, क्या हो जाएगा, ऐसा ही जीवन जाएगा तो जिंदगी में क्या तकलीफ आए, कैसे हो जाएगी, अभी से पाँव दिखता है तो आगे क्या हो जाएगा, अभी तो मैं जवान हूँ, हाँ फिफ्टी वही फाइव ईयर्स का जवान हूँ, और बाद में बूढ़े भी मेरी क्या हालत हो जाएगी, ऐसे सोचता है आदमी, वरीज करता है। तो वरीज उसको आर्त ध्यान बोला जाता है, वो आर्त ध्यान करने से पाँव मिट जाता है। तो ये आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए, उसके उपाय करो, चिंता करनी नहीं चाहिए, उसके उपाय करो जो पॉसिबल है। इस शरीर को आ गया है तो अभी आ गया है, उसके कुछ मालिश करो, ये करो वो करो, ये बाहर का उपाय है। और अंदर का उपाय वो तो ज्ञान की दृष्टि जो मिल गई, तो ज्ञान क्या बताता है, किसको होता है, उसको देखो, आप अलग हो और इस आत्मा अलग है। आप खुद ही आत्मा हो, ये संगमनाथ, ये संगमनाथ अलग है और आप खुद आत्मा आत्मा हो, अलग है। ये संगमनाथ का शरीर है, आप मानते हो मुझे हो गया, मगर ये शरीर को होता है, उसको अलग रखो, ये शरीर की वेदना है, मैं उसको जानने वाला देखने वाला हूँ। जैसे होली में लकड़े जलते हैं तो देखने वाला भी जलता है, देखने वाला जल सकता है? नहीं। हाँ, लकड़े जलते हैं, देखने वाला तो सेफ है। ऐसे आप आत्मा हो और देखने वाले हो, आप सेफ हो, तो ये शरीर की इफेक्ट भुगतता कौन है? ये अहंकार। तो अहंकार के पास रॉन्ग बिलीफ है कि मुझे हो रहा है, तो अहंकार को समझाओ, तुझे नहीं, तू तो अलग है, तू तो सूक्ष्म है, ये शरीर स्थूल है, उसको हो रहा है, तू मेरे साथ एक हो जा। अहंकार को जितना अलग रखोगे उतनी शरीर की इफेक्ट कम हाँ कम भुगतनी है। पड़ेगी। और यानी तीन प्रकार होता है, अहंकार इन्वॉल्व हो गया तो सफरिंग हाँ बहुत दस सफर के होता है, गुना दस, 100 गुना बहुत हो सफर होता जाएगा। है, बहुत सफर अहंकार होता अलग रखोगे, ये तो शरीर को होता है, मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ, तो 10 का 10 ही रहेगा। और ज्ञान में रहो, को ये तो संगमनाथ के शरीर को है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, तो 0% सफरिंग हो सकता है वैसे। ज्ञान की दृष्टि से, ठीक वो हमारा अनुभव है। जितने ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो कोई भी शरीर की वेदना खुद को टच नहीं होती है।